सुप्रभात। आज हम बात करेंगे आदर और आतिथ्य की। ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आदर और आतिथ्य, इनका प्राप्त होना सदैव हमारे हाथ में नहीं है। हम आदर प्राप्त नहीं कर सकते, आदर अर्जित होता है। इसी प्रकार आतिथ्य प्राप्त होना हमारे हाथ में नहीं। आदर का अर्जित होना या प्राप्त होना आपके द्वारा समाज में किए गए, परिवार में किए गए आपके आचरण, आपके कार्यकलाप, आपकी सामाजिक गतिविधियों पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का आचरण करते हैं। उसी प्रकार से आपका परिवार और आपका समाज आपको आदर देता है। इसी प्रकार आतिथ्य देने वाले की परिस्थितियों, क्षमता पर निर्भर होता है कि वो आपको किस प्रकार आमंत्रित करता है। अगर आतिथ्य देने वाला विपरीत परिस्थितियों में जाकर आपको निमंत्रित करता है, आतिथ्य देता है और उसका पालन, उस धर्म का पालन ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, तो वो हास्य का पात्र बनता है। अतः आदर और आतिथ्य दोनों के न मिलने पर हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी क्षमता के अनुसार अपने धर्म का पालन करें और प्रसन्न रहें। आपका आज का दिन शुभ हो, आप सब परिवार प्रसन्न रहें, आप सदैव निरोगी हों, आप दीर्घायु हों। जय श्री कृष्ण।